वेलकम टू माय चैनल। और आज संडे है और आज से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है, होप आप लोग सबको अच्छा लगेगा। प्लीज़ दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय, ये मेरा बाबू है, मेरा बेटा है, ये मेरी गुड्डू है, ये लाडू है, ये और मेरी एक बेटी भी है, ममून। मैं एक बेटा एक बेटी है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और मेरा एक हॉबी भी है इनके पापा वो भी है। गुड्डू आओ, बच्चे को तो बच्चों तो देखे, तुम भी देख लो। ये मेरा एक ही बच्चे, एक ही पति देव है, ये है। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मदर्स डे है और इन्होंने ब्लॉग स्टार्ट किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और सुनो सुनो सुनो, इधर आना। और ये चैनल खोलने के लिए ये बहुत मुझे क्या हिम्मत दिए। मैं 2 साल से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी पर क्या बना पाऊंगी या नहीं करके मैं नहीं बना पा रही थी, पर इन्होंने मुझे कल सरप्राइज करके क्या अकाउंट क्रिएट किया अकाउंट तो मैं भी क्रिएट कर सकती थी, पर इन्होंने करके मुझे सरप्राइज कर दे दिया है ना। गुड गुड, थैंक यू, आई विश यू लक। थैंक यू। बैठो ना थोड़ी देर इधर, क्या भाग रहे हो, अभी तो लॉकडाउन है, कहाँ जाओगे? बैठो, फोन आ रहा। ओके। और ऐसे ही हम मेरे डेली रूटीन होता है ना, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपना फैमिली लाइफ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बच्चे बोर हो रहे पर सेफ्टी के लिए अच्छा है, स्टे होम स्टे सेफ। और पूरा वर्ल्ड का तो यही है, कभी क्या चिंता का चिंता क्या होता है वो वर्ड गुड्डू हिंदी में, मतलब चिंता मतलब टेंशन गुड्डू, ठीक है। मतलब बहुत घबराहट होता है, जैसे सुनते हैं ना न्यूज़ तो मैं अभी देखना 1 वीक से बंद ही कर दिया है। जब देखती हूँ तो न्यूज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि डर जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ, मेरा सॉफ्ट हार्ट बोलते हैं ना, बहुत मुझे मैं बहुत इमोशनल हूँ। पता नहीं कब ये बीमारी ख़त्म होगा, ये महामारी जो होता है ना, ये कब ख़त्म होगा। 2 महीने से हम बच्चे बहुत, मार्च 23 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ऑफिस स्कूल सारे चीज़ घर में, बस हम औरत का मतलब हम वाइफ्स मम्मा सबका चल रहा है रूटीन तो सिंगल नहीं, डबल ट्रिपल पूरा हो गया है। चलो देखते हैं कब तक ये बीमारी वर्ल्ड से, इंडिया से नहीं पूरा वर्ल्ड से जाता है। बहुत प्रे करते जल्दी चला जाएगा, फिर बच्चे स्कूल जा पाएंगे, हस्बैंड लोग ऑफिस जा पाएंगे। हस्बैंड लोग तो बेचारे ऐसे बैठे हैं कि वाह क्या अभी मुसीबत आ गया इन लोगों के, 24 घंटा घर में रहते, बाहर जाने के लिए नहीं, बस हम सब्जी खरीदने के लिए वीकली 1-2 टाइम्स जाते, उतना ही। अननेसेसरी निकलना भी नहीं चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना उस टाइम ही निकलना चाहिए। देखते क्या होता है। और आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग देखिए, प्लीज़ अच्छा लगेगा शायद आप लोग को। अभी मैं आप क्या बोलूँ, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर पहली बार है ना, थोड़ा सा नर्वस तो नहीं, वैसे लग रहा है क्या बोलूँ ऐसे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग, मैं भी जाती हूँ, थोड़ा और काम करना है, काम करके आती हूँ। ये भी देखो मेरा बेटा। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's
clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. अभी मेरी किचन बहुत अच्छा से क्लीन कर दिया मैं, मॉर्निंग रूटीन फिनिश हो गया है, बस अभी लंच बनाने का टाइम आ गया है। बर्तन भी साफ हो गया है और चकाचक सिंक भी अच्छे से धो लिया, सब अच्छे से क्लीन हो गया है, बस अभी लंच बना लूँगी। मॉर्निंग रूटीन तो फिनिश हो गया, ये थोड़ा फिश से इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करूँगी अच्छा लगेगा। राइस फिश फ्राई और एक भेज का करी होगा, दाल बस हो गया। इसको भी थोड़ा अच्छे से मैं धो लूँगी। बस फिश तो अच्छा है, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही लेकर आ गई थी, फ्राइडे को लेकर आ जाती हूँ, नहीं तो संडे भी लाती हूँ। अभी लॉकडाउन के लिए इटली वन सी जाती हूँ, तब एक बार नॉनवेज लेकर आती हूँ और दो बार भेज आता है, एक दो बार नॉनवेज भी आती है। बस हो गया, बस चलो फ्रेंड बाय। ये मैं मनी प्लांट में खुद लगाई हूँ, अच्छा है ना, अच्छा ग्रो हो रहा है उसके मनी प्लांट का।
देखो कीड़ा कहाँ है कीड़ा ये देखो झूठ नहीं बोल रहा देखा नहीं वो कीड़ा नहीं है पत्ता है वो ये पत्ता है पत्ता के अंदर छुप कर बैठा है देखो ना ये पत्ता है ये देखो डालो कीड़ा है डालो प्योर वेजिटेरियन हो ना डालना मुझे क्या कौन ऐसे गोभी खाएगा संडे को तुम ही खाओगे संडे को गोभी मैं तो हमारा तो आज फीस बनेगा तुम ही खाओगे ठीक है ये अच्छे से हो गया इसका दे दो मुझे मैं क्वालिटी टेस्ट करती हूँ उसका तुम कट करके दो मैं ये टेस्ट करके देती हूँ यस हाँ ये यस टेस्टेड ओके बाप रे अभी इतना कट करना मुझे दे दो ना मैं जल्दी जल्दी कट करके देती हूँ तुम क्वालिटी टेस्ट करो ना ओके ठीक है सबका एक एक क्वालिटी टेस्ट होता है ये गोभी काटने का ना एक बड़ा सा झंझट होता है टास्क ना टास्क होता है हाँ ये भी टेस्टेड ये हल्दी पानी में डाल दे तुम ये दे तो मुझे तुम करके रखो मैं दे दे इतना हेल्प कर रही वो बड़ी बात है और ज्यादा मत घुसो उसके अंदर बस दे दो मुझे दे दो मैं हूँ ना बैठी हूँ मैं बस अभी तुम कट करके रखो मैं दाल बिठा देती हूँ ठीक है दाल डाल लो दाल बना लूंगी गोभी बना लेंगे गोभी और ये फीस बना लूंगी हमारे लिए ठीक है आज का मेनू ओके चलो सलाद हाँ सलाद बाबा गयो हाय करो बाबा हाय करो हेलो बाय चल हम थोड़ा पानी पीने बाबू चलो थोड़ा पानी दे दें
वेलकम टू माय ब्लॉग्स। ये मेरी पहला चैनल है।